प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपठित गद्यांश का अभ्यास कर रहे हैं। अपठित गद्यांश होता क्या है? आपको पता है कि वह गद्यांश जो हमने पहले न पढ़ा। तो इसका क्या महत्व है? अगर हमें किसी व्यक्ति की भाषा का कौशल जानना है कि क्या वह कुछ वक्त वाक्य पढ़ के उसे समझ लेता है और समझ के उसके दिए गए प्रश्नों को का उत्तर बता या लिख सकता है, तो वह उसे भाषा का ज्ञान है। तो इसी कारण से आपने देखा है अपठित गद्यांश लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में इसे रखा जाता है। यह भाषा का ज्ञान जांचने का सबसे अच्छा तरीका है। तो हम आज अपना एक नया अपठित गद्यांश, अपठित हमेशा ही नया होता है, और आप हम भले इसे लिख रहे हैं या इसका अभ्यास कर रहे हैं, आपको परीक्षा में एक नया ही गद्यांश मिलेगा। तो अपठित गद्यांश को पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया है, कम से कम 3 या 4 बार इसे पढ़ा जाए। नया है, हमने इसके बारे में अभी नहीं जाना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा प्रश्नों पे आ जाते हैं। पता नहीं, वे समय बचाना चाहते हैं कि क्या यह गलत है। सबसे पहले हमें कम से कम 3 या 4 बार पढ़ना है। कभी कभी 2 बार पढ़ने से भी नहीं समझ आता, तो हमें समय की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको कम से कम 3-4 बार पढ़ना है, उसके बाद ही इसके प्रश्नों पे जाना। 3-4 बार पढ़ने पे आपको जो महत्वपूर्ण शब्द लगेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपको पहली बार में भले ना समझ आया हो, दूसरी बार में कुछ समझ आएगा, तीसरी बार में भी समझ आता जाएगा, और चौथी बार में आप वाक्यों के बारे में एकदम निपुण हो जाएंगे। आपको सब ज्ञान हो जाएगा कि गद्यांश में क्या दिया है, कहाँ दिया है, और इसका उत्तर हमें सटीक देना होता है। जो नीचे दिए गए प्रश्न होते हैं उसमें जितना पूछा जाता है उतना ही लिखा जाना चाहिए, और उन्हें अपने शब्दों में लिखना चाहिए। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो दिए गए प्रश्न होते हैं उन्हें हमें जितना पूछा जाता है उतना ही लिखना चाहिए, मतलब उसका सटीक उत्तर देना चाहिए और उसे अपने शब्दों में देना चाहिए। कुछ बच्चे जो कि पठित गद्यांश में से ही कुछ पंक्तियां उतार देते हैं, वह गलत है। इसमें आपको जितना पूछा जाए उतना लिखना है, वे भी अपने शब्दों में, इसका आप ध्यान देंगे। तो आगे चलते हैं हम अपने दूसरे अपठित गद्यांश के अभ्यास। तो अभ्यास करेंगे, आज हमारा दूसरा है अपठित गद्यांश का अभ्यास। तो ये दूसरा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा, आपको पता है निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखा। तो हम शुरू करते हैं अपना गद्यांश, और ये हमारा दूसरा गद्यांश हमने कर लिया है, आज हम दूसरा इसका अभ्यास करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा अपठित गद्यांश। इसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, सच सच बोलना, सच बोलना मनुष्य
का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा गुण है, गुण है, गुण है सच बोलने वाले, सच बोलने वाले का सब विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, करते हैं। सच बोलने वाले के मार्ग में सच बोलने वाले, बोलने वाले के मार्ग में सच बोलने वाले के मार्ग में बहुत सी बाधाएं, बहुत सी बाधाएं आती हैं, पर उनसे घबराना नहीं चाहिए, पर उनसे घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार गांधी जी ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, वैसे ही ये भी और है बच्चों, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब आते हैं, सच बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, सच बोलने वाले का सब विश्वास करते हैं, सच बोलने वाले के मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती हैं, पर उनसे घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार गांधी जी ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसे हम पूरा लिख लेते हैं, आप इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। पहले हम गद्यांश को लिख लेते हैं, फिर उसको कम से कम 3 या 4 बार पढ़ना है। तो पहले लिखने का काम कर लेते हैं, मेरे ख्याल से आपने इसे नोट कर लिया होगा। जो शेष भाग है उसको भी मैं लिख देता हूँ। सच बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा, ये है हमारा गद्यांश। कुछ वाक्य और बचे हैं, पूरा कर देते हैं इसको। जिस प्रकार गांधी जी ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी
हमें ये सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई, सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही हम अच्छे बन सकते हैं, बन सकते हैं। अंत में जीत सच की होती है, सच की होती है। पूर्ण विराम। तो ये हो गया हमारा पूरा गद्यांश। अब हम, मैंने जैसे आपको बताया था, हम इसे 3 या 4 बार पढ़ेंगे। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। सच बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। सच बोलने वाले का सब विश्वास करते हैं। सच बोलने वाले के मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती हैं, पर उनसे घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार गांधी जी ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही हम अच्छे बन सकते हैं। अंत में जीत सच की ही होती है। तो ये था हमारा गद्यांश। तो इसमें जो नए शब्द आए हैं, अगर कठिन शब्द हैं, वो भी 2 बार में हमें उसका अर्थ पता चल जाता है। अगर हम उसे पढ़ रहे हैं तो वाक्य में उसके अर्थ का अंदाज़ा भी हम लोग लगा सकते हैं। अगर कोई एकदम नया शब्द आ गया तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। सच बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। सच बोलने वाले का सब विश्वास करते हैं। सच बोलने वाले के मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती हैं, पर उनसे घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार गांधी जी ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही हम अच्छे बन सकते हैं। अंत में जीत सच की होती है। तो बच्चे, दूसरी बार हमने इसे पढ़ा, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं उतना हमें गद्यांश के बारे में पता चलता है, हम उसे उतना अच्छा समझ सकते हैं। एक बार और, तीसरी बार हम इसे पढ़ रहे हैं। सच बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। सच बोलने वाले का सब विश्वास करते हैं। सच बोलने वाले के मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती हैं, पर उनसे घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार गांधी जी ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही हम अच्छे बन सकते हैं। अंत में जीत सच की ही होती है। तो ये था हमारा गद्यांश। हमने इसे 2-3 बार पढ़ लिया है। तो अब चलते हैं इसके अभ्यास, इसके जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको करें। इसके अंदर मैंने आपको बताया था, प्रश्न लिखते समय
कभी कभी बच्चे, जैसे पहला हमारा प्रश्न है मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है, कुछ बच्चे लिख देते हैं सच बोलना, ये गलत है, हमें पूरा वाक्य लिखना है। जब भी हम प्रश्न को करेंगे हम उसका उत्तर शब्दों में नहीं देंगे, नहीं तो ये गलती में आएगा, आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। मैं इसको करके दिखाता हूँ, बच्चे कहाँ गलती करते हैं उसे भी आपको सीखना है, समझना है और उनसे बचना है। तो प्रश्न उत्तर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है, प्रश्न है मनुष्य का सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा गुण क्या है, प्रश्नवाचक से क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह बोला जाता है हिंदी में, क्वेश्चन मार्क को। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है, जो हम जानते हैं सच बोलना, सच बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। तो इसको पूरे वाक्य में लिखा जाए, पूरा वाक्य लिखेंगे सच बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। मनुष्य दोनों तरीके से ही आपको अपना वाक्य में लिखना है, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण सच बोलना है, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं सच बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। दोनों ही वाक्य सही हैं तो हम किसी तरह भी लिख सकते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण सच बोलना बोलना है, प्रश्न दो। हमारा दूसरा प्रश्न है गांधी जी ने कौन सा मार्ग नहीं छोड़ा, तो हमने गद्यांश में देखा कि गांधी जी ने सत्य का मार्ग, सत्य का मत, सत्य का अर्थ भी सच बोलना होता है, गांधी जी ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। एक बार तो इसको हमें जो गद्यांश दिया गया है उसी के अनुसार उसको सच मान के चलना। कुछ बच्चे गद्यांश के बाहर का जो दिखने लगते हैं वो गलत होता है, जो गद्यांश हमें दिया गया है हमें उसे सच मान करके चलना है, तथा कहीं गद्यांश के बाहर की चीज़ें लिखने की कोई कोशिश नहीं है, उसी गद्यांश में उसका उत्तर मिल जाएगा। तो हमारा दूसरा प्रश्न है गांधी जी ने, गांधी जी ने कौन सा मार्ग, कौन सा मार्ग नहीं छोड़ा, उत्तर है गांधी जी ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा।
पूर्ण विराम, पूरा वाक्य लिख रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा हम जो वाक्य लिख रहे हैं वो पूरा लिख रहे हैं, शब्दों में नहीं लिख देते, कुछ वही नहीं बोलना, सच बोलना कुछ बच्चे लिख देते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है तो लिख देते हैं उत्तर सच बोलना, तो इसमें पूरे अंक नहीं मिलेंगे। जब आपको पता है तो पूरा वाक्य लिखना है। इसी तरह गांधी जी ने कौन सा मार्ग नहीं छोड़ा, तो कुछ बच्चे लिखते हैं सत्य का मार्ग। उत्तर तभी सही माना जाएगा जब आप पूरे वाक्य में लिख रहे हैं। तो इसको याद रखना है सभी बच्चों को कि जब भी हम उत्तर लिखेंगे तो उत्तर पूरे वाक्य में होगा। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, आप इसे मेरे ख्याल से आप इसे नोट कर रहे हैं, आप इसे लिखते रहें। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा है हमारा, तीसरा प्रश्न है किसकी जीत होती है, किसकी जीत होती है, होती है। तो बच्चों अंत में किसकी जीत होती है, अंत में सच की जीत होती है। हमें पता है सच ही जीतता है, तो इसे फिर लिखते हैं पूरे वाक्य में लिखेंगे। कुछ बच्चे लिखते हैं अंत में किसकी जीत होती है, लिखते हैं सच, सच की, सच की, तो शब्दांश हो गया। हमें पूरा वाक्य लिखना है, पूरा शब्द शब्दों में नहीं पूरा वाक्य लिखना है। अंत में लिखेंगे, अंत में सच की जीत होती है, जीत होती है। प्रश्न चार, निम्नलिखित के विलोम शब्द, तो विलोम शब्द भी पूछ सकता है, कभी कभी शब्द अर्थ भी पूछ सकता है, कभी कभी पर्यायवाची भी पूछ सकता है कोई शब्द का, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना। तो गद्यांश में केवल प्रश्न उत्तर नहीं आते, कभी कभी व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं। जैसे अभी विलोम शब्द आ रहा है, हमें दिए गए शब्द का विलोम शब्द लिखना है, तो पर्यायवाची शब्द, शब्द अर्थ भी, मतलब भी पूछ लेता है कि इस शब्द का क्या मतलब है। तो इससे हमें ध्यान देना है। तो हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखो। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखो, तो कौन कौन से हैं दिए गए हैं, सच, हमें सच का विलोम लिखना है। उसके बाद है अविश्वास, अवगुण, और हार। तो विलोम शब्द आपको पता ही है, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द की क्या
परिभाषा है, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो पहला वाला है सच, सच का झूठ, सत्य का असत्य। याद रखना, सत्य का असत्य कुछ बच्चे लिख देते हैं, सच का असत्य ये गलत है। विलोम शब्द की परिभाषा ही हमें बताती है कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो सच का झूठ, सत्य का असत्य, ये याद रखिएगा। पर्यायवाची शब्द से काम नहीं चलाना है तो हम लिखते हैं सच का झूठ और विश्वास। अविश्वास का विलोम होता है विश्वास, अ लगा के विलोम बन हो जाता है कुछ शब्दों का, तो उसमें ये भी था। अविश्वास है तो विश्वास, उत्तर होगा विश्वास, विश्वास। अवगुण का होता है गुण, गुण का विलोम होता है अवगुण, अवगुण का विलोम होता है गुण। और हार का बहुत सरल है जीत, ये शब्द आए हुए हैं हमारे, आप ध्यान से देखोगे तो ये सब जो शब्द हैं हमारे गद्यांश में ही हैं, गद्यांश में छुपे हुए हैं। अगर हमने इसे पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, तो खुद ही हमें समझ आ जाए। तो सच हार का जीत दिया हुआ है अंतिम वाक्य में, अंत में जीत सच की होती है, हार का विलोम होता है जीत। सच का विलोम होता है झूठ, विश्वास का अविश्वास का विश्वास, अवगुण का गुण, हार का जीत। तो ये था हमारा दूसरा गद्यांश। तो बच्चों इसी तरह हम रोज एक गद्यांश को का अभ्यास करेंगे। इसके बाद ये था अपठित गद्यांश, अब पठित गद्यांश भी आएगा परीक्षा में। पठित गद्यांश क्या होता है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक से आए, तो पाठ्य पुस्तक से आया है, आपने उसे पढ़ा है, इसीलिए वह गद्यांश पठित गद्यांश कहा जाए। तो परीक्षा में आपको दोनों प्रकार के गद्यांश मिलेंगे, कौन कौन से, अपठित जो पहले न पढ़ा हो, जो एकदम नया हो, और दूसरा है पठित, पठित आपके जो आपने पाठ पढ़ रखे हैं, जो आपका सिलेबस दिया है उसी में से आएगा। तो उसमें क्या है, ये दोनों तरीके से हम किसी भी विद्यार्थी के जो भाषा ज्ञान का की परख कर सकते हैं, और पठित गद्यांश से भी और पठित गद्यांश से। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश। तो हम लोग करेंगे तीन अपठित गद्यांश करेंगे, कल एक और करेंगे, और उसके बाद में हम चलेंगे अपने पाठ्य पुस्तक से जो गद्यांश लेंगे वो कहीं से भी ले लिया जाएगा। पाठ एक से लेके आठ तक जो है उसमें कहीं से भी, और इसमें पूरा नहीं लिया जाता, जैसा कि आपको पता ही है गद्यांश मतलब कुछ वाक्य, पाठ के कुछ नए वाक्य मिल जाएंगे जिसमें से आपको पढ़ना है तथा उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये इसे पठित गद्यांश कहते हैं। कल हम एक और अपठित गद्यांश करेंगे, हम जितना अधिक अपठित का गद्यांश का अभ्यास करेंगे उतना अधिक सीखेंगे। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश। तो अब आप आज का गृह कार्य नोट कर लीजिए, आपको आपने ये दोनों अपठित गद्यांश कर लिए हैं अपनी नोटबुक में, आपको इसको अपने नोटबुक में लिखना है, लिखना भी है और इसका अभ्यास करना है। आपको नेट से भी नया गद्यांश मिल जाएगा, आप नेट में भी अगर जाएंगे तो कक्षा 5 के लिए अपठित गद्यांश टाइप करेंगे आपको गद्यांश मिलेगा, और उसके जो प्रश्न हैं
आप उसको पढ़ के हल करने का प्रयास करें। तो जितना अधिक अभ्यास होगा उतना ज़्यादा आप सीखोगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।